नमस्कार विद्वान साथियों, लर्न पावनम संस्कृतम चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, कल्प तरु कल्प वृक्ष, इस पाठ के प्रश्न और उत्तर आज हम करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो साथियों, सबसे पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, यहाँ पर संकेत है कि एक पद में उत्तर लिखी। जीमूत वाहन है कस्य पुत्र आसीत, जीमूत वाहन किसका पुत्र है, कस्य किसका, जीमूत वाहन किसका पुत्र है। तो यहां पर आंसर हम लिखेंगे साथियों, एक पद में कस्य, षष्ठी विभक्ति एकवचन है, तो उत्तर भी हम षष्ठी विभक्ति एकवचन में देंगे। क्या लिखेंगे साथियों, जीमूत केतो, जीमूत केतो, इस प्रकार से आंसर लेकर के पूर्ण विराम लगा देंगे। नेक्स्ट है, संसारे अस्मिन के एन स्वरे भवति, अस्मिन इस संसारे, संसार में कौन एन स्वर होता है, अर्थात इस संसार में कौन नष्ट नहीं होता है, क्या नष्ट नहीं होता है, तो ऐसा एक ही साथियों परोपकार है, परोपकार नष्ट नहीं होता है, तो हमारा उत्तर होगा परोपकार है, परोपकार है, अश्विन संसारे परोपकार एन अश्वरे भवति, जीमूत वाहन है परोपकार एक फल सिद्धये कम आराध्यति, जीमूत वाहन परोपकार एक फल की सिद्धि के लिए किसकी आराधना करता है, किसकी आराधना करता है, परोपकार के फल की सिद्धि के लिए जीमूत वाहन आराधना करता है साथियों, कल्प तरु की आराधना करता है। तो यहां पर आंसर हम लिखेंगे, उत्तर कल्प तरुम लिख सकते हैं आप, कल्प पादपम भी लिख सकते हैं। नंबर पांच है, जीमूत वाहन से सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतीतम, जीमूत वाहन के सभी प्राणियों पर कृपा करने से सभी जगह क्या फैल गया, जीमूत वाहन ने सभी सर्वभूतानुकंपया सभी प्राणियों पर कृपा की, सभी प्राणियों पर दया की, तो सर्वत्र किम प्रतीतम सभी जगह क्या फैल गया, तो जीमूत वाहन का यश फैल गया साथियों सभी जगह, क्योंकि उसने सभी प्राणियों पर कृपा की, इसलिए सभी जगह क्या फैल गया, उसका यश है, ये आंसर होगा हमारा, यश है, अंत में पूर्ण विराम लगाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है, कल्प तरु भुवि कानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने धरती पर क्या बरसाया, क्या बरसाया साथियों, धन बरसाया, तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे, कानि के स्थान पर उत्तर लिखेंगे साथियों वसूनी, वसूनी, इस प्रकार से उत्तर हमारा होगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर देखिए, जीमूत वाहन है कस्य पुत्र अस्ति, जीमूत वाहन है जीमूत केतो पुत्र अस्ति, संसार अस्मिन के एनस्वरे भवति परोपकार है, जीमूत वाहन है परोपकार एक फल सिद्धये कम आराध्यति कल्प तरु, जीमूत वाहन से सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रतीतम यश, कल्प तरु भुवि कानि अवर्षत वसूनि। अब अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखकर, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो अब साथियों, ये ऊपर वाला हो गया, तो इसको रफ कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर टू है, टू का कह है, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति, इसमें कंचनपुर नामक नगर कहां सुशोभित था, तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कि कंचनपुर पुरम नाम नगरम, उत्तर लिखेंगे के का, उत्तर लिखेंगे साथियों कंचनपुरम नाम नगरम, कंचनपुरम नाम नगरम हिमवत साना उपरी, हिमालय की चोटी के ऊपर, हिमवत है
शान और ऊपरी विभाति स्मृति। विभाति स्मृति यह आंसर हुआ हमारा कि कंचनपुर नाम नगर हिमालय की चोटी के ऊपर सुशोभित था। तो कंचनपुरम नाम नगरम हिमवते सानोपरि विभाति स्मृति सुशोभित था। कंचनपुर नामक नगर हिमालय की चोटी के ऊपर सुशोभित था। इस प्रकार से हमारा उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीमूत केतु की दृश्य आसीत। जीमूत केतु कैसा था? तो साथियों जीमूत केतु महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी से आसीत। का उत्तर जीमूत केतु महान दानवीर है सर्व भूतानुकंपी से आसीत। कैसा था जीमूत केतु? महान दानवीर सर्वभूतानुकंपी चासी। जीमूत केतु महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया करने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाने किम अचिंत्यत। कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूत वाने किम अचिंत्यत। तो आंसर हमारा होगा कल्पतरु वैशिष्ट्यम आकर्ण्य। गेट आंसर कल्पतरु वैशिष्ट्यम माकर्णि जीमूत वाहने अचिंतयत यत। कल्पतरु की विशिष्टता को सुनकर के जीमूत महान ने विचार किया कि क्या विचार किया? अहो मम पूर्वजै ईदृशम अमर पादपम प्रापे। अहो मम पूर्वजै ईदृशम अमर पादपम प्राप्ते है। अरे मेरे पूर्वजों के द्वारा ऐसा अमर पौधा प्राप्त करके, ऐसा अमर पौधा प्राप्त करके धनात अतिरिक्तम किमपि न लब्धम। धनात अतिरिक्तम धन के अलावा किमपि कुछ भी ने लब्धम कुछ भी नहीं प्राप्त किया। अरे मेरे पूर्वजों के द्वारा ऐसा अमर पौधा प्राप्त करके धन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं प्राप्त किया। अहम अभिष्टम मनोरथम साधिष्यामि। अहम अभिष्टम मनोरथम साधयिष्यामि। अहम अभिष्टम मनोरथम साधयिष्यामि। ये उत्तर हुआ गे का। क्या कल्पतरु की विशिष्टता को सुनकर के जीमूत वहां ने विचार किया कि अरे मेरे पूर्वजों के द्वारा ऐसा अमर पौधा प्राप्त करके धन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं प्राप्त किया, मैं अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करूंगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 तो ऊपर वाला रख कर देता हूं साथियों।
अवघे देखते हैं। घे घे का आंसर देखिए क्या कह रहा है। हितेशिने मंत्रिणे जीवंत वाहनम किम उक्तवंत है। हितेशी मंत्रियों ने जीवंत वाहन को क्या कहा, तो आंसर होगा हमारा हितेशिने मंत्री ने जीवंत वाहनम उक्तवंत है। उक्तवंत है जीवंत वाहन है उक्तवंत है। युवराज यो यम सर्व कामदेय कल्प तरु तव उद्याने तिष्ठति। युवराज यो अयम सर्व कामदेय कल्प तरु, सर्व कामदेय है कल्प तरु तव उद्याने, तव उद्याने तिष्ठति। तिष्ठति से तव सदा पूज्य, से तव सदा पूज्य, से तव सदा पूज्य। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शकरो अपि, अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि, कहने का मतलब इंद्र भी आसमान वादी तुमने शक्नुयात, आसमान वादी तुम ने शक्नुयात। देखते हैं हितेशी मंत्रियों ने जीवंत वाहन को कहा कि युवराज जो यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे बगीचे में है, वह तुम्हारा सदा पूजनीय है। इस अनुकूल स्थिति में इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता, इंद्र भी हमको बाधित नहीं कर सकता। अब लास्ट प्रश्न है जीवंत वाहन ने कल्प तरु उपगमे किम उवाच। जीवंत वाहन ने कल्प तरु के पास जाकर के क्या कहा, लास्ट प्रश्न जीवंत वाहन ने कल्प तरु उपगमे किम उवाच, तो उत्तर लिखेंगे हम जीवंत वाहन ने कल्प तरु उपगमे उवाच, उपगमे उवाच। देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता। देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम्, अस्मत् पूर्वेषाम् अभीष्टा कामा पूरिता। देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम् अभिष्टा कामः पूरिता। क्या है इसका मतलब, जीवंत वाहन ने कल्प तरु के पास जाकर के कहा कि देव तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छाएं पूरी की गई। तन्मम एकम कामम पूरी, तन ममैकम कामम पूरी, तो मेरा एक काम पूर्ण कीजिए। क्या, यथा पृथ्वीम ऐदरिद्राम पश्यामि, यथा पृथ्वीम ऐदरिद्राम पश्यामि,
ऐ दरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति, तथा करोतु देव इति। जीमूत वाहन ने कल्प वृक्ष के पास आकर के कहा कि देव, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छाएं पूरी की गई, तो मेरी एक इच्छा पूरी करो। जैसे पृथ्वी दरिद्रता से रहित देखूं, वैसा करो देव। इस प्रकार। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।